आज मैं कुछ खास टिप्स लेके आई हूँ इन दवाई के रैपर्स को लेकर। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो खाली दवाई के रैपर होते हैं उन्हें कभी नहीं फेंकोगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक प्रीति ब्लॉग हल्द्वानी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप रोज की तरह आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं हमेशा की तरह फिर से एक यूजफुल वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट हैक्स और कुछ घरेलू जुगाड़ जिनसे आप अपने कामों को आसान कर सके। साथ ही आपने इन वीडियोस को पहले नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखकर आप अपने घर के कोई भी काम को आसान बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मेरा आज का पहला टिप है ये दवाई के रैपर को लेकर। अक्सर हम लोग जब भी दवाई खाते हैं और उसके बाद रैपर को फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप दवाई का रैपर कभी नहीं फेंकोगे। दोस्तों, पैसे तो आजकल के समय में हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जो टिप्स होते हैं उनसे अगर कुछ काम हो जाए कुछ समय के लिए तो वो बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को तो हर कोई खरीद लेता है। लेकिन ये टिप्स पैसों को लेकर नहीं है, ये है समय आने पर समय का प्रयोग करना। और किसी समय हमें मार्केट से लाने का अगर समय ना मिले तो ऐसे जुगाड़ करके हम आसानी से अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो मेरा टिप है ये नेल कटर को लेकर। नेल कटर हम जब भी यूज करते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैं ये जो दवाई का रैपर है इसमें मैं नेल कटर को काट रही हूँ, जैसे नेल्स काटते हैं उसी तरह इसे भी चुबाते रहना है, इसमें काटते रहना है। इससे क्या होगा, हमारे नेल कटर की धार बन जाएगी तो हमारा नेल कटर सही हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो है ना बढ़िया टिप। तो चलो चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी दवाई के रैपर से ही है और सीजर के लिए है। तो हम लोग जब भी कपड़ा काटते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कपड़ा कटता तो है लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के कटता है। उससे क्या होता है, कहीं कहीं पर हमारी जो कैंची होती है ना उसकी धार खराब हो जाती है, इसीलिए कपड़ा छोड़ छोड़ के काटती है या फिर कपड़े को अपने साथ ऊपर को उठा देती है। उससे क्या होता है, हमारे जो कपड़े की कटिंग होती है ना वो खराब हो जाती है। तो कैंची जब भी हम कपड़े को काटे तो कैंची की धार बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी कैंची की धार बनाने वाला जो होता है वो हफ्ते में एक दिन आता है घरों में, तो कहीं कहीं तो महीनों में भी आता है। तो तब तक हम क्या करें, मार्केट जाने का अगर हमें टाइम नहीं है कैंची की धार बनवाने में, तो कुछ समय के लिए ये जुगाड़ कर सकते हैं। जो दवाई का रैपर है इससे आप जो कैंची में, आप ध्यान से देखना, जो तिरछी धार होती है, तिरछी धार, खड़ी धार में आपको कभी भी नहीं घिसना है, जो तिरछी धार होती है उसमें धीरे धीरे आपको घिसना है। जिस साइड को धार बनी होगी उसी साइड को कैंची को घुमा के करना है, इससे हमारी कैंची में धार बहुत अच्छी बन जाएगी। ट्राई करके जरूर देखना, मैंने भी ट्राई किया था, काफी अच्छी मेरी कैंची में धार बन गई थी। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो दवाई के रैपर हैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं दवाई रैपर को कैंची से, इससे भी धार काफी अच्छी बन जाती है। जैसे मेरी आंखें से थोड़ी धार कम है क्योंकि ये थोड़ा बीच वाला पोर्शन तो सही है लेकिन आगे का पोर्शन कम सही है, तो मैंने क्या करा, कैंची को इससे काट रही हूँ बार बार और इससे मेरी कैंची में धार बन रही है ना दोस्तों। अच्छा टिप, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मेरा थर्ड टिप है ये शर्ट को लेकर। अब सर्दियां चली गई हैं और अब ब्लैंकेट को रखने का समय आ चुका है और काफी ब्लैंकेट तो रख भी दिए हैं, लेकिन जो ब्लैंकेट बचे हैं और उनके कवर नहीं हैं, जो मार्केट से कवर आते हैं तो वो तो जल्दी फट जाते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मैंने क्या कर ले लिया है, एक शर्ट ले ली है। जिस शर्ट का यूज कम हो वो शर्ट आप ले लीजिए। तो इस शर्ट का मेरा यूज कम था तो मैंने ये शर्ट ले ली है। अब मैं क्या करूंगी, इस शर्ट के बाजू को अंदर की तरफ को फोल्ड करूंगी, अंदर की तरफ को डाल दूंगी और शर्ट को सीधा ही रखूंगी। तो इससे क्या होगा ना, हमारा एक अच्छा सा कवर बनके रेडी हो जाएगा, ना काटना है ना सिलना है, बस कवर रेडी हो जाएगा। अब मैं ये ब्लैंकेट है इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है मैंने, बहुत अच्छे से इसका रोल बना दिया है, गोल रोल बनाया है मैंने इसका, थोड़ा सा चौड़ा किया है। अब मैं इसे क्या करूंगी, ये शर्ट के ऊपर रखूंगी। दोस्तों, इससे क्या होगा ना, हमारे जो बेड के अंदर जो डस्ट होते हैं, बेड के अंदर भी डस्ट आ जाती है। हम सोचते हैं कि बेड के अंदर डस्ट नहीं आती लेकिन वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि धूल तो कहीं भी चली जाती है, तो इसलिए
हमें चाहे बेड के अंदर हो चाहे वार्डरोब में अपनी चीजों को ढककर ही या कवर के अंदर ही रखना चाहिए। तो मैं ये शर्ट का प्रयोग कर रही हूँ। अब ये जो शर्ट है इसके बाजू को मैंने अंदर की तरफ कर दिया है और शर्ट को उल्टा कर दिया। अब इसके ऊपर ये जो ब्लैंकेट है इसे रख दूंगी। ये देखिए ब्लैंकेट मैंने रख दिया है। अब इसे अच्छे से ऊपर की तरफ को खींच कर जो ये ब्लैंकेट है के जो शर्ट के बटन है इन्हें अच्छे से टाइट से लगा दूंगी। बटन लगाने के बाद क्या होगा ना, ऐसा लगेगा कि कवर ही इसी का है, पता ही नहीं चलेगा कि ये शर्ट है। तो मैंने एक एक करके सारे बटन लगा दिए हैं और ये मेरा कवर बन के रेडी हो गया है। ये देखिए मैं कवर बटन लगा रही हूँ और ये बहुत अच्छा सा कवर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर कोई डस्ट नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है कि नीचे से पोर्शन जो है वो खुला हुआ है वहां से डस्ट जाएगी तो आप उसे बांध के सिक्योर भी कर सकते हैं। अच्छे से या तो रबर बैंड लगा लीजिए जो चोटी में लगाते हैं या फिर कोई धागा से बांध लीजिए या ऊन से ही कपड़ों में कपड़े बुनने वाला जो ऊन होता है उससे भी आप बांध सकते हैं, उससे भी टाइट हो जाता है। और ऊपर के पोर्शन में जो कॉलर है वहां से आप कुछ न्यूज़पेपर को डाल दीजिए, बस आपका कवर बन के रेडी है। कोई झंझट नहीं, कभी आपके चाहे ब्लैंकेट में धूल नहीं लगेगी। है ना दोस्तों कमाल का टिप। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, ऐसे ही नई नई टिप लेकर आऊंगी। तो दोस्तों आपको आज का मेरा कौन सा टिप पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। हर हर महादेव।